हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आप लोग को 32 साइज लेडीज पैंट की स्टिचिंग शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप लेडीज पैंट की स्टिचिंग कैसे की जा सकती है। तो बिना पैसा खर्चा किए आप अपने घर में आसानी से लेडीज पैंट की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये कटिंग किए हैं। इसकी कटिंग के वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पॉकेट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ये जो आसन है इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और उसके बाद यहाँ से लगभग इस तरह से आधा इंच ले कर इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से तो ये आसन है। तो आसन पे हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम बैक पार्ट के आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा बैक पार्ट है, इसको भी उतना ही मार्जिन लेके इतना पे सिलाई लगाएंगे। इसमें भी आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे कि लेडीज पैंट की सिलाई कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए ये बैक पार्ट है, इतने परसेंट सिलाई लगाएंगे इसमें भी। इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में हम आसन की सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इसमें फ्रंट पार्ट में ये जो प्लेट का निशान है उसमें हम प्लेट बनाएंगे इस तरह से दोनों तरफ। ये देखिए दोनों तरफ इस तरह से इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह इसको मोड़ेंगे और लगभग इतना इस तरह से इतना हम कपड़ा लेके इसमें ले जाके इस तरह से क्रॉस में इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हम प्लेट डाली है। तो इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये हमारा जो है इस तरह से करेंगे तो ये हमारा राइट साइड लगेगा, मतलब दाहिने साइड लगेगा ये जेब। तो यहाँ पे ये मेरा पॉकेट है, ये छोटा साइज है। तो इसमें हम इस तरह से 12 इंच का, 12.5 इंच का पॉकेट लगाएंगे और चौड़ाई है इसका 6 इंच, इतना ही छोटा लगाएंगे जेब। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से क्रॉस में हम सिलाई लगाएंगे। और इसका हम इसका लंबाई लिए हैं, ये है 7 इंच। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये जेब लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से जेब बहुत आसानी से लग जाती है इस तरह का लगाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम जेब लगा लिए हैं, ये इसको अटैच कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पतली इस तरह से पट्टी काटे हैं, इसको इस तरह लगाएंगे। ये लगाने से क्या होता है, ये जो जेब है इस तरफ खसकता नहीं है, बहुत एकदम परफेक्ट रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से ये कपड़ा जो है जेब की तरफ इस तरह कर देंगे और उसके बाद ये इस तरह से ऊपर से लगा देंगे। तो यहाँ पे पट्टी लगा ली, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला कपड़ा है उसको भी इस तरह से काट के निकाल देंगे। तो
उसके बाद हमको इस तरह से पलट लेना है। तो इस तरह से पलट कर यहाँ से फिनिशिंग से एक बूट की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे एकदम किनारे। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर से हम सिलाई लगा लिए हैं पॉकेट पे। उसके बाद इसमें हमको इस तरह से उसको पलट लेना है। उसके बाद इसको पलट कर यहाँ से बराबर करके इस तरह से सिलाई लगा देना है। यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से पलट कर यहाँ पर इस तरह से इसका नोक निकाल लीजिए कपड़े को। इस तरह से फिनिशिंग करते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देना है। इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये मजबूती के लिए लगाया जाता है क्योंकि ये जेब है, कोई भी सामान रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं, फटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए जेब की सिलाई हो गई। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। उसके बाद जितना कपड़ा हम जेब में लेके सिले उतना कपड़ा बाहर की तरफ जेब वाला निकाल देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर 1.5 इंच। उसके बाद यहाँ से हमको इस तरह से सिलाई लगा देना है। इतना कपड़ा बाहर निकाल देंगे 1.25 इंच। देखिए जेब वाला है। इस तरह से इसको इस तरह से पलटेंगे तो यहाँ पर ये शेप में आ जाएगा। इस तरह देखिए पॉकेट का शेप। इसमें आप इस तरह से हाथ डालेंगे। ये छोटा नाप है इसलिए ये इतने पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जेब लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसमें बेल्ट लगाएंगे। इसके लिए हम बकरम लेंगे। यहाँ पर ये बकरम है। ये हमारा 1 इंच का है। तो यहाँ पे 1 इंच का ये बकरम है। उसके बाद इससे हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे हम ये बेल्ट लगाने के लिए ये 4 इंच की पट्टी काट लिए हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। इतना कपड़ा छोड़ के यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए। उसके बाद अब इस तरह से पैंट को हम उल्टा कर लेंगे। ये उल्टा साइज रहेगा और यहाँ ये सीधा है। तो यहाँ उल्टा साइज इस तरह से रख के हम सिलाई लगाएंगे इसमें। एक बार आपको बकरम को जो है कपड़े में अटैच कर लेना है जो पट्टी हम काटे हैं उसमें। उसके बाद लेके तब इसमें पैंट में इसको इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। इसको सीधे की तरफ पलट लेंगे इस तरह से। तो इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके उसके बाद जो ये सिलाई लगाए हैं उसी के ऊपर इसका इस तरह से सिलाई लगाएंगे। एक बराबर सिलाई लगाना है इस तरह से फोल्ड करके। जो सिलाई लगाए हैं उसी के ऊपर सिलाई लगा लेना है कपड़े को फोल्ड करके। बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट बनाने का। तो यहाँ पे इस तरह से बराबर करते जाना है, इस तरह फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद एक सिलाई ऊपर की तरफ और लगाएंगे इस तरह से ऊपर की साइड। तो यहाँ देखिए ये आगे का भाग है वो तैयार हो गया है। इसमें देखिए कितना अच्छे से ये हाथ जा रहा है इसमें जेब में। उसके बाद ये हम बैक पार्ट उठाएंगे इसमें। तो यहाँ पे ये मेरा सीधा पार्ट है। उसके बाद ये भी सीधा रखेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से नीचे से हमको यहाँ पर बराबर से सिलाई लगा देना है। Thank you.
तो यहाँ पर ऊपर के साइड में हमको इतना इतना कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाना है, क्योंकि हमको पीछे प्लास्टिक लगाना है तो इतना कपड़ा छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि कपड़ा जोड़ना है। तो एक साइड की सिलाई हो गई, इसी तरह से दूसरे साइड का भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड की सिलाई लगा ली है, उसके बाद अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सिला हुआ भाग है, ये सिला हुआ आसन का इस तरह मिलाकर, और यहाँ से हम इतना सिलाई लगाएंगे इस तरह से। पहले यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इसको एक बराबर करके सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इसी तरह से इस साइड का भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए, उसके बाद यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सीधा कर लिए हैं, उसके बाद इसको हम देखेंगे कि ये कितना इंच मेरा बेल्ट लगा है। तो यहाँ पे बेल्ट है 15 इंच और कमर हमारा है 27 इंच, तो 27 इंच हमको तैयार करना है। यहाँ पे ये हो गया ये 15 इंच, तो इसमें हाफ इंच सिलाई का रहेगा, तो ये समझ लीजिए 14 इंच का है। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये 27 हो गया मेरा। अब उसके 27 में हमको 3 इंच कम करना है, तो यहाँ पे 27 हो गया, इसमें 3 इंच हम कम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 इंच का हम इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक है और ये 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है। तो यहाँ पे देखिए ये 10 इंच हो गया, इसमें हम 1 इंच सिलाई का लेंगे, तो 11 इंच का लेंगे ये। तो यहाँ पे 11 इंच का इलास्टिक लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 इंच का हम कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट में ये जॉइंट लगाने के लिए 4 इंच चौड़ी पट्टी काट लिए हैं, ये देखिए इस तरह से 4 इंच चौड़ी पट्टी है। अब इसको इसमें हम जॉइंट करेंगे इस तरह से, यहाँ पर जो हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़े थे इसको इस तरह से इसमें जॉइंट लगाएंगे इस तरह से, कपड़ा सीधा रहेगा और ये उल्टे एरिए की तरफ इस तरह से रख के सिलाई लगेगा। तो यहाँ पे हम जॉइंट कर लिए हैं कपड़ा। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के इस तरह से निकाल देंगे यहाँ से। तो यहाँ से इस तरह से जॉइंट कपड़ा जो है, जो बेसिक कपड़ा है, उसको काट के निकाल देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे ये हम 11 इंच का इलास्टिक काटे हैं, क्योंकि कमर है 27 इंच, तो यहाँ पर ये 11 इंच का इलास्टिक काटे हैं। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको ये जो मेरा, उसके बाद इसको हम इस तरह से यहाँ पर इसको पहले सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, जहाँ पे हम अटैच किए हैं कपड़ा जॉइंट लगाएं वहाँ पे हम सिलाई दोनों तरफ लगा लिए हैं। इसको पहले इससे जो छोड़े थे उसको सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो इलास्टिक है उसको हमको इस तरह से इस पर रख देना है, जहाँ से बकरम हम लगाए हैं उसी पर एकदम एक बराबर से इसको इस तरह से जोड़ देना है। तो यहाँ पर एक साइड हम जोड़ दिए, ऐसे ही हमको दूसरे साइड भी जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड इलास्टिक को जॉइंट कर लिए हैं। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, ये जो हमारा कपड़ा है उसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से जो कपड़ा है उसको इस तरह से करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको हमको इस तरह से अंदर फोल्ड कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर से नहीं, हमको ये कपड़े के ऊपर से सिलाई लगाना है, ध्यान रहे इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक जॉइंट कर लिए हैं इसमें इस तरह से,
उसके बाद इसको क्या करना है, इस तरह से हमको इसको फैला लेना है। और उसके बाद यहाँ पर लास्टिक के ऊपर बीच से एक सिलाई लगा देना है। ये सिलाई लगाने से लास्टिक घूमता नहीं है, नहीं तो पहनते समय लास्टिक घूम जाता है। तो यहाँ बीच से एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से कपड़ा खींच के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमको खोलना है नीचे की साइड, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे जहाँ तक ही हम निशान लगाए हैं कट का, वहाँ तक। उसके बाद यहीं से इस तरह से घुमा लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह सिलाई लगा देना है। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, जहाँ से हमारा लंबाई है वहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ इस तरह से। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि एक बराबर है कि नहीं, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो गया है। इसी तरह से हमको दूसरा भी मोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के साथ हम दोनों जो मोहरी है फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से हम इस तरह से इसको खोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड का हम खोल लिए हैं। उसके बाद इसके ऊपर से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड ये मेरा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मेरा 32 साइज प्लाजो पैंट बनके कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।